उत्तराखंड सरकार उधम सिंह नगर जिले के प्रत्येक विकास खंड में CBSE पैटर्न के तहत 2 विद्यालयों को संचालित करने जा रही है। इसी योजना के तहत आज खटीमा विकास खंड में भी थारू राजकीय इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में संचालित करने हेतु शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे द्वारा इसका उद्घाटन खटीमा पहुंचकर किया गया। इस उद्घाटन के अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअल रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने भी शिक्षा विभाग की इस पहल की सराहना कर प्रदेश भर में निर्धन वर्ग के बच्चों को भी अंग्रेजी शिक्षा के सपने को सच करने वाला बताया है। शिक्षा मंत्री ने इस दौरान गौरा देवी हरेला पखवाड़ा का भी शुभारंभ करते हुए इंटर कॉलेज के परिसर में वृक्षारोपण किया। वहीं मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के साथ वर्चुअल रूप से उद्घाटन कार्यक्रम में जुड़ प्रदेश भर में प्रत्येक विकास खंड में CBSE पैटर्न के तहत 2 विद्यालय संचालित किए जाने की योजना के तहत CM की विधानसभा खटीमा में भी अटल उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन किए जाने की बात कही। साथ ही शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मुख्यमंत्री का निर्धन लोगों के बच्चों को सरकारी विद्यालय के माध्यम से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ग्रहण करवाने के सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश भर में अटल उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किए जाने पर आभार व्यक्त किया है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करे, इसलिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के निर्धन वर्ग के सपनों को पूरा करने हेतु प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के संचालन का फैसला किया है। इन विद्यालयों में कक्षा 5 से लेकर इंटर तक की शिक्षा CBSE पैटर्न में दी जाएगी। साथ ही सभी चयनित विद्यालयों को CBSE से मान्यता भी मिल चुकी है, इसीलिए आज उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा में थारू राजकीय इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में संचालित करने हेतु खटीमा पहुंचकर इसका उद्घाटन किया है। 15 जुलाई से इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले अध्यापकों का भी चयन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में CBSE पैटर्न से संचालित होने वाले 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किए जाएंगे, जिनके उद्घाटन आज प्रदेश भर में किए जा रहे हैं। ये उन गरीबों की भावनाएं हैं जो अपने जीवन को अपने बच्चों के लिए खो देना चाहते हैं और जो कठिन मेहनत मजदूरी करके 8 या 10 हज़ार रुपये वेतन पाते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि अपना जीवन तो जैसे बीता बीता, लेकिन हमारे बच्चों का जीवन अच्छा होना चाहिए। और वो अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों की तरह भागते हैं। प्राइवेट में हमारे कोई हम तो कोई हम पछतीचे नहीं लगा गए, लेकिन हर अभिभावक चाहता है कि हमारे बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ के आगे बढ़े। उन्हीं की भावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमने खोले हैं। प्रदेश के अंदर प्रत्येक विकास खंड में 2-2 विद्यालय, प्रदेश के अंदर 190 विद्यालय अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमने खोले हैं, जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक की CBSE बोर्ड की मान्यता मिल चुकी है। जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे उन अध्यापकों का स्क्रीनिंग टेस्ट भी हम करवाने जा रहे हैं, 15 जुलाई को हो जाएगा, जो बहुत बड़ी मात्रा में हमको अध्यापक उपलब्ध इंग्लिश मीडियम के मिल रहे हैं। ऑनलाइन एडमिशन भी प्राइवेट के तौर पे सरकारी स्कूलों में होना चाहिए, इसके लिए हमने वेबसाइट भी बना दी है, लिंक नंबर भी दे दिया है। तो अटल उत्कृष्ट विद्यालय आम गरीब जनमानस की भावनाओं पर खड़ा उतरना और शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने के निमित्त हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम से चलाने का प्रयास किया। साथ ही प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए सभी विद्यालयों में सभी जगह आम जनमानस प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए जुड़े और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, ताकि कभी जीवन में समाज में व्यक्ति के कभी ऑक्सीजन की कमी ना आए। इस नाते हरेला त्यौहार की और पखवाड़ा की मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ।